हेलो, मैं हूँ चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं हिंदी व्याकरण चैप्टर वाक्य विचार। वाक्य विचार ये पाठ का नाम है जिसमें वाक्य से संबंधित कुछ टॉपिक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, उसका जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, पहला है वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है, और दूसरा है वाक्य के कितने अंग होते हैं। ठीक, और जो वाक्य के अंग है उस दोनों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है वाक्यांश क्या है या वाक्यांश क्या समझते हैं या वाक्यांश किसे कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वाक्य खंड, वाक्य खंड क्या है, वाक्य खंड से आप क्या समझते हैं या वाक्य खंड किसे कहते हैं। सो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला है कभी कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक, वाक्य किसे कहते हैं। ठीक, तो वाक्य किसे कहते हैं, तो विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले कोई भी सेंटेंस हो, वाक्य हो, ठीक है, जो एक क्रिया से युक्त हो, जिसमें एक क्रिया हो, उस पद समूह को वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है नोट इसमें कि वाक्य, ठीक है, वाक्य वह सार्थक पद समूह है, वाक्य वह सार्थक पद समूह है जिसे लेखक क्या कहते हैं, लिखकर, और वक्ता बोलकर, यानी लेखक जो है वो लिखकर और वक्ता जो है वो बोलकर अपने भाव को या विचार को पाठक या श्रोता तक पहुंचाते हैं, यानी लेखक जो है लिखकर, ठीक है, पाठक के पास, और वक्ता जो है बोलकर वो श्रोता के पास। पाठक यानी पढ़ने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला होता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, ठीक है, या वाक्य को कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। वाक्य कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है उद्देश्य और विधेय से आप क्या समझते हैं या क्या। ठीक है, तो पहला था इसमें उद्देश्य। ठीक है, तो उद्देश्य के बारे में, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है, जिसके बारे में, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। नेक्स्ट है विधेय, विधेय क्या है, विधेय किसे कहते हैं या आप क्या समझते हैं, तो उद्देश्य के बारे में, यानी उद्देश्य जो है जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य। ठीक है, और वाक्य में उद्देश्य भिन्न भिन्न रूपों में आता है। नेक्स्ट है विधेय, उद्देश्य के बारे में, यानी इसके बारे में कहा जाए, जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। नेक्स्ट है वाक्यांश, वाक्य के अंश को वाक्यांश कहते हैं। तो वाक्यांश से क्या समझते हैं, तब वाक्य का पूर्ण रूप, वह पूर्ण रूप, ठीक है, वाक्य का वह पूर्ण अंश वाक्यांश कहलाता है जिसका संबंध उस वाक्य की क्रिया से नहीं होता है। ठीक, फिर से बात, वाक्य का वह पूर्ण अंश वाक्यांश कहलाता है, वाक्य का वह पूर्ण अंश वाक्यांश कहलाता है जिसका संबंध उस वाक्य की क्रिया से नहीं होता है। नेक्स्ट है वाक्य खंड, ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट। ठीक, ये था जो वाक्यांश था, यानी वाक्य का अंश था, और ये वाक्य खंड है, यानी वाक्य का खंड है। ठीक है, तो वाक्य खंड क्या है, एक वाक्य के उस टुकड़े या खंड को वाक्य खंड कहते हैं, वाक्य के उस टुकड़े या खंड को, वाक्य के उस टुकड़े या खंड को वाक्य खंड कहते हैं जिसमें क्रिया के रहते हुए भी पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता। फिर से वाक्य खंड किसे कहते हैं, या वाक्य खंड क्या है, या वाक्य खंड से आप क्या समझते हैं। तो वाक्य के उस टुकड़े या खंड को वाक्य खंड कहते हैं, वाक्य के उस टुकड़े या खंड को वाक्य खंड कहते हैं जिसमें क्या है, जिसमें क्रिया के रहते हुए भी, जिसमें क्रिया के रहते हुए भी पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, वे वाक्य खंड कहलाते हैं। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही टॉपिक डाले देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।
अच्छा है।